सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये जो ड्राइंग है वो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कंप्लीट हो चुका था, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कलर करूँगा। तो पहले तो दिखा देता हूँ, ये चित्रपट पेपर है और ये रहा हमारा कलर प्लेट। तो ये रहा ब्रशेस, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं फेस में कलर करूँगा, तो फेस का कलर आप देख सकते हो ब्राउन येलो कलर है। कुछ ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स यहाँ पे डाल देते हैं। ब्रशेस और कलर्स जो भी है मटेरियल्स मैं यूज़ करता हूँ, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप चाहे तो अमेज़न से खरीद सकते हो। तो मैं जो कलर यूज़ करूँगा वो है ऑरेंज, लेमन येलो, हल्का सा येलो ओकर, थोड़ा सा क्रिम्सन लेक। तो मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट में लगभग फर्स्ट लेयर में लगभग सेम ही कलर यूज़ करता हूँ, जो कि फर्स्ट लेयर है हमारा बेस लेयर। तो बहुत लाइट कलर यूज़ करता हूँ और लगभग सेम ही टोन में यूज़ करता हूँ, वही हमारा ऑरेंज, लेमन येलो, क्रिम्सन, ये जो बेस कुछ कलर्स हैं। बस ये याद रखना है कि फर्स्ट लेयर हमेशा लाइट होना चाहिए, बहुत ही लाइट, और पानी से यूज़ करते करते इसको और लाइट बनाना है। मैं थोड़ा सा और लेमन येलो यूज़ करूँगा इसमें। हेयर्स में मैं यूज़ करूँगा ब्राउन सियाना। एक्चुअली ब्राउन सियाना हेयर्स का कलर नहीं है, हेयर्स और भी डार्क बनेगा, पर हेयर्स में भी फर्स्ट लेयर में मैं ब्राउन सियाना ही यूज़ करूँगा। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ये फर्स्ट लेयर सूखने के लिए। तो फर्स्ट लेयर हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, तो अभी सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड लेयर में काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि हम क्या पेपर को गीला करके सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं या डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो इसी सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दूँगा। तो यहाँ पर दो तरीका है। पहले तो आप फर्स्ट लेयर जो हमने लगाया था जो कि सूख गया है, पानी से इसको गीला कर दो, ठीक है। पर यहाँ पर मैं गीला नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ये फेस जो है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मेरे हाथ जितना। ये छोटे फेस के लिए ये नहीं चाहिए। अगर मान लो कि फेस यहाँ से लेके इतना बड़ा होता, ठीक है, तो तब मैं गीला करता पेपर को। क्यों गीला करता? क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे कलर लगाऊंगा तो वहाँ सूख जाएगा, वहाँ पे कलर लगाऊंगा तो वहाँ सूख जाएगा। तो ये पूरा जो गेम है टाइमिंग का है, ठीक है। आप जितना जल्दी उसको कवर कर सकते हो उतना आपको गीला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम लगता है लेयरिंग लगाने के लिए तो आपको गीला करना पड़ेगा। सेकेंड लेयर के लिए जो कलर मैं लूँगा, हल्का सा लेमन येलो, हल्का सा क्रोम येलो, हल्का सा येलो ओकर, हल्का सा क्रिम्सन और ऑरेंज। आप देख पा रहे हो कि ये जगह है ये फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपने जो बनाया है ये फर्स्ट लेयर में, तो वो यहाँ पे क्या कौन कौन से जगह पे है। ये भी फर्स्ट लेयर है, ये भी फर्स्ट लेयर है, ये भी। तो फर्स्ट लेयर को छोड़ना है और सेकेंड लेयर जहाँ जहाँ पर लगाना है, लगाना ज़रूरी है, वहाँ पर लगाओ। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड लेयर भी सूख गया है। तो अभी हम लास्ट थर्ड लेयर में काम करेंगे।